माँ को देखा है कि वो बक्सा कई बार ठीक कर रही हैं, अपनी डिग्रियाँ निकाली, देखा और फिर उसको बड़ा सरका दिया अंदर। कई कविताएं पढ़ें, लगभग अनामंत्रित की भी और प्रलय में लजतना की भी, चांद का जिक्र बहुत आता है। जहाँ स्वप्न है, जहाँ रज्जगे हैं, वहाँ चांद नहीं आएगा तो और क्या आएगा। अशोक कुमार पांडे अकेडमिक हिस्टोरियन नहीं है, पॉपुलर हिस्टोरियन है। ज़रूरी है सब लोग अकेडमिक हिस्टोरियन हो? या वो किसी अंग्रेजी वाले ने किया होता तो लोग लियो लियो कर रहे होते उसके पीछे। वो अशोक कुमार पांडे ने किया इसलिए वो कॉपी पेस्ट है। अशोक कुमार पांडे अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। कीजिए, देखते हैं बर्दाश्त कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। कीजिए, अभिनव भारत पे सवाल खड़े करते हैं क्योंकि सावरकर और उनके भाई का अलग अलग बताते हैं, कोई 1905 बताता है, कोई 1906 बताता है। कैसे थीम का चुनाव करते हैं और करते भी हैं कि नहीं करते? थीमेटिक प्रेशर में अगर पहली बार कोई किताब लिखी है तो कश्मीर और कश्मीरी पंडित लिखी है। कुएं से भी किसी छोटी जगह का मेढक हो गया है हिंदी का जो आम लेखक और पाठक है, ये उसकी समस्या है। उसी पाठक ने आपको बनाया भी है? निश्चित तौर से बनाया हुआ है, लेकिन जो पाठक इस तरह के सवाल करता है वही पाठक वैखरी के लिए आगे से आके मेरे हाथ में पैसे रखता है। ये क्या बात होती है यार, लेखक को बबुआ बना रहे? मैं नहीं हूँ बबुआ, मुझे नहीं बनना बबुआ। अपने पुरस्कार, अपने सम्मान, अपनी मानताएं अपने पास रखो। कब ज्वाइन कर रहे हैं? क्या कांग्रेस? देखते हैं कब ज्वाइन करना है। अब जितने लोग सुन रहे होंगे आज उनमें से ज्यादातर के लिए तो यही आश्चर्यजनक होगा, अशोक कुमार पांडे ने कविताएं कहानियां भी लिखी हैं। अगर नहीं चल पाया साथ तो उसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ, अपने व्यवहार को, अपने आप को दोषी मानता हूँ।